हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल में। तो आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया होगा, अभी जस्ट पहले ही इसको अपलोड किए हैं, तो ये दूसरा पार्ट है। ये पहले पार्ट में हमने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कैसे यहाँ का रूटीन क्या है, फ़ोटोज़ के माध्यम से कि यहाँ स्टूडेंट कैसे रहते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि क्लासेज, मेस, लाइब्रेरी, रूम, जिम, ग्राउंड, लोकेशन क्या है और मतलब इसके अलावा भी जो जो फैसिलिटीज़ हैं कि बॉयज़ के लिए भागीदारी भवन ही केवल है, ओबीसी के बॉयज़ के लिए केवल भागीदारी भवन ही है और ओबीसी गर्ल्स के लिए केवल आदर्श पूर्व प्रशिक्षण संस्थान है, सिर्फ वो है। बाकी एससी एसटी के लिए टोटल 8 संस्थान इस समय ये तैयारी कराती हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें रहना, खाना, कोचिंग सारा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, समाज कल्याण विभाग की तरफ से आप लोग को फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये अभ्युदय से अलग है। अभ्युदय में आप लोग को रहने का और खाने का व्यवस्था नहीं होता है, सिर्फ क्लासेस की व्यवस्था होती है आपके ज़िले में। ये आपको मतलब कि रह कर यहाँ पढ़ना होगा, तो ये पूरा उससे अलग है और इसके लिए 10 महीने का ये पूरा का पूरा कोर्स होता है। ठीक है, 10 मंथ्स का। इसमें आप 2 बार एग्ज़ाम के थ्रू आ सकते हैं, बाकी 1 बार आप लोग अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, पीसीएस क्वालिफाई करते हैं प्री, तो आप लोग लेटरल एंट्री के आधार पर आ सकते हैं मेंस की तैयारी के लिए, मेंस और इंटरव्यू के लिए। तो ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लोग को आना पड़ेगा, डायरेक्ट गूगल पर सर्च करिएगा सोशल वेलफेयर up.upsdc.gov.in। ठीक है, इसको सर्च कीजिएगा तो SWD सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये आएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म फिल करने के लिए, तो सबसे पहले आप आएंगे SWD वेबसाइट पर। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नीचे ही आप लोग को देखा है, यहाँ लिखा होगा कि ISPCS प्रारंभिक प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रणाली। तो यहाँ आप देखेंगे कि पूरा क्या क्या आप लोग को भरना है। तो यहाँ देखिए डेट पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या रहेगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे यहाँ लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है और इसकी अंतिम तिथि देख लीजिएगा 30 नवंबर 2022 है। और अपना आवेदन पत्र में संशोधन 30 नवंबर तक ही कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी 30 नवंबर तक ही ले सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसका फॉर्म खुलेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं, नेट स्लो है। तो देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर खुल कर आ गया। तो यहाँ देखिए आप लोग को क्या भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को कि आप उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्षों से निवास की स्थिति, तो यहाँ जनपद सेलेक्ट करना है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पता, पिन कोड सहित, अस्थाई पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार। ठीक है, और यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि 1 जुलाई 2022 को आप लोग की मिनिमम जो एज है 21 वर्ष हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सेशन 2022 के लिए ही फॉर्म है, इसलिए लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पर लिंक आप लोग को सेलेक्ट करना है, आरक्षण की श्रेणी, दिव्यांग जो है तो दिव्यांग के लिए कितना परसेंट है दिव्यांगता का उसको भरना होगा। ठीक है, माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय आप लोग को यहाँ भरना होगा। ठीक है, और आय प्रमाण पत्र संख्या, तो अगर जिन लोगों ने आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है 6 लाख से कम का होना चाहिए, जनरली 60,000 या 1 लाख के अंदर ही लोग बनवाते हैं, तो आप लोग कोशिश करके बनवा लीजिएगा जिनका नहीं बना है 4-6 दिन में, फिर उसके बाद फॉर्म भर दीजिएगा। और इसके बाद आपको पूरा अपना शैक्षिक योग्यता यहाँ भरना होगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को आपका हाई स्कूल पूरा भरना होगा। ठीक है, बोर्ड या कॉलेज, तो यूपी बोर्ड यहाँ हो जाएगा, फिर परीक्षा का वर्ष, अनुक्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक, अंक पत्र क्रमांक, गुणांक, प्राप्तांक। ठीक है, इंटरमीडिएट अपना इसी तरह भर लेंगे, स्नातक, उसके अलावा अगर आप लोगों ने परास्नातक किया है तो वो भी आप भर सकते हैं पीजी। ठीक है, इसके बाद आपको फोटो पहचान पत्र एक देना होगा, इसमें से आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा, फिर उसकी संख्या, फिर पूछेगा क्या आप पूर्व में ISPCS मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। हाँ, अगर हुए हैं मुख्य परीक्षा में शामिल, मुख्य है देखिए, ठीक है, प्री नहीं, मुख्य की बात हो रही है, तो यहाँ टिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो भी साक्षात्कार में शामिल हुए हैं तो इसके लिए यहाँ पूछा हुआ है। ठीक है, इंटरव्यू में अगर आप गए हैं तो। उसके अलावा आप लोग को यहाँ से कोचिंग सेलेक्ट करना, परीक्षा का नाम जिसके लिए निःशुल्क कोचिंग चाहते हो। ठीक है, तो ISPCS जो भी होगा, प्रवेश परीक्षा केंद्र का नाम, जहाँ प्रवेश परीक्षा केंद्र जहाँ का नाम के कोचिंग केंद्र का नाम जहाँ पर प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेना चाहते हो, प्रथम वरीयता, आप लोग वरीयता दे सकते हैं, जनरली ये उनके लिए जो SC ST से है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फिर कैप्चा यहाँ भरेंगे तो आगे का काम हो जाएगा। तो चलिए हम भरकर आप लोग को दिखा देते हैं कि आगे का स्टेप क्या रहेगा। तो यहाँ देखेंगे कि हमने परीक्षा का फॉर्म भर लिया है,
तो एक मिस्टेक इसमें हो गई थी कि प्रमाण पत्र क्रमांक और अंक पत्र क्रमांक अगर आप लोग को रिजल्ट में अलग अलग होगा तो अलग अलग भरिएगा, ठीक है। तो कुछ में एक ही होगा, कुछ में अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग फाइनल सबमिट करते हैं। तो आपको और एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर आप लोग अपना जो सेलेक्ट करना चाहेंगे, जहाँ पर प्रवेश परीक्षा इसके लिए मतलब कि जो एग्ज़ाम होगा 18 दिसंबर को देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, यहाँ आपसे पूछ रहा है परीक्षा का नाम जिसके लिए निःशुल्क कोचिंग चाहते हैं, तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक आईएएस पीसीएस प्रीलिम एग्जामिनेशन 2023, इसके अलावा अदर प्रारंभिक प्रतियोगिता 2023। तो आप लोग जो भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे जनरली आईएएस पीसीएस के लिए अभी तक तो एक संस्थान चलती है। अगर इसके बारे में कुछ और अपडेट मिलेगा कि नहीं, इसके अलावा भी यूपी SSC या SSC जैसे संस्थानों की भी तैयारी कराई जाएगी, हो सकता है इस बार अगर ऑप्शन दिया है तो हो सकता है सामने 2-4 दिन में आए, तो उसके लिए अलग से अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे कर चलते हैं। तो यहाँ सारा कुछ अपडेट मतलब फॉर्म भरने के बाद सेव डिटेल्स एंड प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, तो इस पर क्लिक करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को सबमिट करना था पूरा का पूरा फॉर्म। तो ये एक बार आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्म इस तरीके से आप लोग भर लेंगे। तो इसके बाद आप लोग को पूरा का पूरा जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। तो सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करना है। 40 KB उसका साइज होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 40 KB से कम का ही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम ना हो के द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र भी आप लोग को अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है जिसमें जन्म तिथि स्पष्ट दिख रही हो, ठीक है। इसके बाद स्नातक की जो रिजल्ट है उसका कॉपी आपको अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी और अपना हस्ताक्षर। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर टिक करके आप लोग सेव एंड व्यू टेम्पररी प्रिंट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो चलिए इसको भी दिखा। तो यहाँ पर हमने पूरा सारा जो भी अपलोड करना था आप लोग को बताए थे, अपलोड कर लिया। तो फिर उसके बाद यहाँ पर सेव एंड व्यू टेम्पररी प्रिंट फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप पूरा का पूरा यहाँ पहले टिक मारेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ टिक करके आप देख लेंगे, अगर कोई अब कुछ अगर आप चेंज करना है तो चेंज कर लेंगे। उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट और आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा अपडेट था। इसके अलावा भी और कोई भी अपडेट चाहिए होगा या कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को पूरा का पूरा अपडेट दे सकें इसके बारे में। और ये मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों के लिए, खासकर मतलब गरीब नहीं इन द सेंस कि गरीब और पिछड़े जो दोनों हैं उनके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही पूरा का पूरा सब मतलब व्यवस्था है, जिसमें आप लोग को कोचिंग, रहना खाना, लाइब्रेरी और क्लासेस इन सब चीज़ों की हॉस्टल में रहकर फैसिलिटी दी जाती है, वहीं पर आपको आपका क्लास भी चलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरा का पूरा अपडेट देखा होगा। इसके अलावा हमने लगभग 7-8 महीने पहले एक वीडियो यहाँ के बारे में पूरा वीडियो सहित फ़ोटो और वीडियो दोनों कंबाइंड करके बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। नॉलेज पॉइंट विद अखिल भागीदारी भवन करके सर्च कर दीजिएगा तो आप लोग को वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो इसके पहला वाला वीडियो आप लोग ने देख लिया होगा, ये दूसरा पार्ट था जो कैसे कैसे फॉर्म भरना था ये बता दिए हैं। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।